नमस्कार। आगामी लोकसभा चुनाव पर आधारित हमारा विशेष कार्यक्रम आम चुनाव 2024 राजनीति में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं लाल चंद्र सिंह। राजनीति यानी कि राज्यों की चुनावी राजनीति, यानी कि अलग अलग राज्यों में क्या है इस बार के आम चुनाव के समीकरण, इस विशेष कार्यक्रम में हम बात करते हैं हर रोज किसी एक राज्य में चुनावी हलचल और स्थिति की। तो आज के अंक में बारी है पूर्वोत्तर राज्य मिजोरम की। तो आइए शुरुआत करते हैं जानकारी और विश्लेषण से भरपूर कार्यक्रम राजनीति की। तो लोकसभा चुनाव 2024 के लिए सभी राज्य पूरी तरह से तैयार हैं। इस बार के लोकसभा चुनाव में एनडीए का मुकाबला सीधे तौर पर विपक्षी इंडी गठबंधन से होने जा रहा है। यही कारण है कि अब पार्टियों का फोकस उत्तर और दक्षिण के साथ पूर्वोत्तर राज्यों पर भी देखने को मिल रहा है। लोकसभा चुनाव के सियासी गणित में पूर्वोत्तर की सभी सीटें भी अपना महत्व रखती हैं। यहाँ पर 8 राज्यों की कुल 25 लोकसभा सीटें हैं। मिजोरम देश के सबसे खुशहाल राज्यों के रूप में जाना जाता है। मिजोरम का सामाजिक ढांचा वहां की खुशहाली का सबसे बड़ा कारण है। मिजोरम अपने विद्यार्थियों को मुश्किल हालात में भी विकास का मौका देता है। मिजोरम की एकमात्र लोकसभा सीट के लिए पहले चरण में 19 अप्रैल 2024 को मतदान होगा। नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया 27 मार्च को ही समाप्त हो चुकी है। यहां की लोकसभा सीट पर क्षेत्रीय पार्टियां हावी नजर आती रही हैं। हालांकि पिछले कुछ सालों से यहां पर मिजो नेशनल फ्रंट का भी दबदबा देखने को मिल रहा है। तो वहीं पर 2023 में हुए विधानसभा चुनावों में जोराम पीपुल्स मूवमेंट ने 27 सीटें जीतकर सरकार बनाई थी। तो करेंगे मिजोरम की राजनीति पर विस्तार से चर्चा, लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं मिजोरम से जुड़े कुछ आंकड़ों पर। और सबसे पहले बात राज्य की जनसंख्या की। तो सबसे पहले बात जनसंख्या की कर लेते हैं। 2011 तक के ही आंकड़े हमारे पास उपलब्ध हैं फिलहाल। उसके बाद क्योंकि जनगणना हुई नहीं, उसके आंकड़े जारी हुए नहीं। कुल जनसंख्या 10.97 यानी करीब करीब 11 लाख। पुरुष हैं 5.55 लाख और महिलाओं की संख्या है 5.41 लाख। हम फिर से बता दें कि ये 2011 की जनगणना के मुताबिक है, उसके बाद आंकड़े नहीं आए हैं। अब आते हैं साक्षरता के बाद। साक्षरता के रूप में अगर मिजोरम को देखिए तो सबसे ज़्यादा साक्षर राज्यों में मिजोरम का नाम आता है। मिजोरम भारत में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच समग्र साक्षरता दर में तीसरे स्थान पर है। राष्ट्रीय औसत तो वैसे 72.98 यानी करीब करीब 73% का है, लेकिन मिजोरम का औसत दर जो है वो 91.33%। देखिए कितना ऊँचा प्रतिशत है। पुरुष 93.35% और महिलाएँ भी 89.27% वहाँ पर साक्षर हैं। अब बात करते हैं मतदाताओं की। तो कुल मतदाता 8.61 लाख हैं। पुरुष हैं 4.14 लाख और बड़ी बात महिला मतदाताओं की संख्या देखिए ज़्यादा है 4.41 लाख। और पहली बार भी 36,214 युवा मतदाता बने हैं। ये आंकड़े जो हम आपको दे रहे हैं ये जनवरी 2024 तक के हैं। इसमें कुछ बदलाव हो सकते हैं क्योंकि पिछले 2-3 महीने जो बीते हैं इसमें कुछ नाम जुड़ सकते हैं, कुछ कट भी सकते हैं, तो उसमें थोड़ा सा सुधार हो सकता है, लेकिन करीब करीब मतदाताओं की संख्या यही है। और ये रहे मिजोरम के प्रमुख दल। भारतीय जनता पार्टी की भी उपस्थिति इन दिनों देखने को मिल रही है। एमएनएफ तो है ही, आईएनसी यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और एमपीसी और जो ZPM जिसकी हम चर्चा कर रहे थे, जिसने वहां पर सरकार बनाई है, वो भी एक प्रमुख दल के रूप में पिछले ही विधानसभा चुनाव में उभरी है। MNF और कांग्रेस लंबे समय तक वहां पर बदल बदल कर सत्ता में रहे हैं, लेकिन इस बार जो है वो ZPM वो सत्ता में आई है। तो मिजोरम में किस तरह के चुनावी गणित बन रहे हैं, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान हमारे जुड़ चुके हैं। डॉक्टर कमल झुंझुनवाला हैं जो कि एडिटर इन चीफ हैं ईस्टर्न पैनोरमा के, और साथ में हमारे साथ सुविमल भट्टाचार्य जी हैं जो पूर्वोत्तर मामलों के विशेषज्ञ हैं। बहुत बहुत स्वागत आप दोनों का। मैं पहले डॉक्टर कमल झुंझुनवाला जी आपके पास आता हूँ और सबसे पहले आपसे यही चर्चा करना चाहूँगा कि इस बार जब वहाँ पर की ZPM ने सरकार बना ली है, तो क्या वहाँ के समीकरण में, वहाँ के इक्वेशन में
ये दिखाई पड़ रहा है कि कहीं ना कहीं जो ZPM है वो MNF का स्थान उसकी जगह लेती हुई दिख रही है क्या वहां की राजनीति में? ऐसा कहना फिलहाल बहुत जल्दी होगी क्योंकि मिजोरम के अंदर जो मिजो नेशनल फ्रंट है वह अपने आप में काफी पॉपुलर पार्टी है जी। और उस मिजोरम के इलेक्शन की एक बात ये जो विशेषता ये है कि वहाँ की जो लोकल एनजीओ है जैसे मिजो यूथ है, नाम भूल रहा हूँ उसकी, यंग मिजो एसोसिएशन जो है वह काफी एक्टिव है और वहाँ जो इलेक्शंस होते हैं बहुत डिसिप्लिन तरीके से होते हैं। उसके अंदर इस बार जैसे कांग्रेस पार्टी ने एक पुलिस अधिकारी को खड़ा किया है जिसकी छवि बहुत अच्छी है, तो इसलिए ये इसलिए टक्कर ZPM और MNF में कांटे की है और ये कहना अभी मुश्किल होगा कि किसका पलड़ा भारी है। बिल्कुल ये बात सही आप कह रहे हैं कि किसका पलड़ा भारी है। और कई बार हम ये भी देखते हैं कि जो विधानसभा चुनाव है उसमें वहाँ की जनता किसी और पार्टी को चुनती है और जो लोकसभा के चुनाव होते हैं उसमें एक अलग रुख रहता है। सुबिमल जी, क्या दोनों राष्ट्रीय पार्टियों के लिए वहाँ पर इस लोकसभा चुनाव में कोई गुंजाइश है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या फिर कांग्रेस? लाल सिंह जी, जैसे झुंझुनवाला साहब ने भी बताया कि इस बार एक ZPM एक नया पार्टी आया और इसके बाद उन्होंने जिस बहुमत से सरकार बनाए, लेकिन इसका प्रभाव लोकसभा चुनाव में वैसे ही रहेगा या MNF आ सकता है या कोई नेशनल पार्टी आ सकता है, वहां के लोग भी इसको ठीक से बता नहीं पाएंगे। लेकिन मुझे जो लगता है रीजनल पार्टीज की फिर भी दबदबाव रहेगा इस लोकसभा चुनाव में भी। अब MNF ने तो ऑलरेडी बताया है कि वो NDA के साथ रहेंगे और ZPM का पोजीशन अभी भी कोई इस तरीके से कोई क्लैरिटी नहीं है। लेकिन जैसे आपने थोड़ा पहले जितने सारे वहाँ की आपने स्टेटिस्टिक्स रखे, अब देखिए एक बड़ा लिटरेट स्टेट है, 91.3% लिटरेट है और वोटिंग भी उनका बड़ा डिसिप्लिन तरीका से होता है। सो उसमें इशू बेस्ड वोटिंग और मिजोरम में जिस तरीका से जिस लोकेशन में है, बांग्लादेश म्यांमार के साथ, म्यांमार के साथ एक तनावपूर्ण सिचुएशन इस वक्त, म्यांमार की जो घटनाएं वो थोड़ा बहुत मिजोरम में भी अफेक्ट करता है क्योंकि ट्राइबल हिसाब से इनके बहुत सारे संबंध है। बाकी आपकी जो हमारे मणिपुर राज्य भी जो इनको बॉर्डर करते हैं उसमें भी थोड़ा बहुत तनाव है जिसमें भी इनके कोई वो होता है, तो ये सारे इश्यूज कितने आएंगे और ये नेशनल पार्टीज को किस तरीके से इम्पैक्ट करेंगे वो इस वक्त बोलना मुश्किल है। लेकिन मुझे लग रहा है कि दोनों रीजनल पार्टीज के बीच में ZPM और MNF का बीच में ये लड़ाई सामने रहे। बिल्कुल MNF जैसा आपने कहा कि वो NDA में बिल्कुल उन्होंने घोषणा कर दी है कि वो NDA में रहेंगे, तो जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी को एक मजबूत सहयोगी के रूप में MNF वहाँ पर मिली हुई है। हम आप दोनों के पास आएंगे लेकिन उससे पहले ज़रा वहाँ की लोकसभा की जो सीट है, एकमात्र लोकसभा सीट है, उसके बारे में कुछ जानकारी साझा कर लेते हैं, उसके बाद फिर आप दोनों के पास मैं लौटता हूँ। तो जैसा कि हमने बताया कि मिजोरम में एक ही लोकसभा सीट है जो कि अनुसूचित जनजाति यानी कि ST के लिए सुरक्षित है, वो रिजर्व सीट है, एक ही सीट है मिजोरम में। तो मिजोरम लोकसभा चुनाव में कुल एक ही सीट है जो कि वहां पर ST के लिए यानी कि अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है, सामान्य के लिए कोई नहीं और SC के लिए भी कोई नहीं। और अब ये देखिए 2019 के चुनावी नतीजे किस तरह रहे थे, वो जो एक सीट थी उस पर MNF ने कब्जा जमाया था और जाहिर सी बात है कि एक ही सीट है तो किसी और को कोई सीट नहीं मिल सकती थी, तो MNF को वो सीट मिली थी। लेकिन दिलचस्प है कि वोट शेयर कैसा रहा था। MNF को 45.11% मिला था, BJP 5.77%, इंडिपेंडेंट 46.40% और जो अदर्स हैं 2.70%। यानी कि देखिए वहाँ पर बिल्कुल साफ तौर पर यह दिखाई पड़ रहा है कि कहीं ना कहीं जो वोट प्रतिशत है उसमें MNF और वहाँ पर जो रीजनल पार्टी है वही भारी रही है, राष्ट्रीय पार्टियों का वैसा कोई वोट शेयर है नहीं वहाँ पर, कम से कम 2019 के चुनाव में तो नहीं ही दिखाई पड़ रही थी।
लौटते हैं अपने दोनों खास मेहमानों के पास। डॉक्टर कमल झुंझुनवाला, आपसे समझना चाहेंगी कि जैसे MNF है, उसने बिल्कुल NDA की तरफ ये कर दिया है कि हाँ हम NDA का साथ देंगे, और हम ये देखते भी हैं कि पूर्वोत्तर राज्यों में जो भी जीतते हैं वो प्रायः केंद्र में जो सत्ता में होते हैं उनके साथ वो जाते हैं, और उसमें कई तरह की बातें हैं भी और कई ज़रूरी भी है एक तरह से। लेकिन ये बताइए कि क्या ZPM ने या फिर वहाँ पर किसी और ने विपक्षी जो गठबंधन ऑपोजिशन का जो इंडी अलायंस बना है उसमें किसी ने आने की अभी तक घोषणा की है क्या? जहां तक मेरी जानकारी है इस तरह की कोई घोषणा वहां हुई नहीं है। हाँ, परंतु ये बात एकदम ठीक है कि MNF के पास अगर NDA का साथ है तो वहां के जो लोग है लिटरेसी रेट में तो पड़े हुए हैं, उनकी पकड़ अच्छी है, परंतु क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी अच्छी है वहाँ पे। तो उन लोग मिजोरम के इंटरेस्ट के अंदर जो बेस्ट सूट करेगा वही करेंगे। और जैसा कि आपने कहा कि जो नॉर्थ ईस्ट में चूंकि नंबर ऑफ सीट्स कम है, स्टेट्स ज्यादा हैं, 8 स्टेट्स हैं, 25 सीट है, तो होता क्या है कि वह जो सरकार दिल्ली में रहती है उसकी तरफ झुकना पसंद करती है। उसके दो फायदे हैं, ताकि उनको डेवलपमेंट के लिए एक सुविधा मिले, एक अच्छा रिलेशन रहे, उनको जो अपनी बात रखने का मौका दिल्ली में थोड़ी आसानी से मिल सके। तो इन दोनों विषय के कारण नॉर्थ ईस्ट का ट्रेंड यही रहा है कि जो रूलिंग सत्ता होती है उसकी तरफ वह अपना झुकाव करते हैं। बिल्कुल, ये तो देखने को मिलता है और ये कई तरह से जरूरी भी है। अगर इस चीज को ध्यान में रखें तो MNF का मुझे लगता है थोड़ा सा एज ज्यादा है। आपको ऐसा लग रहा है? NDA के साथ उसने डिक्लेयर किया है, इसलिए थोड़ा सा ज्यादा है, परंतु नाराजगी भी है कुछ कुछ बातों को लेकर, जैसे श्यामल भट्टाचार्य ने बताया भी, तो उनको भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, सुविमल भट्टाचार्य जी, जैसा कि हम बाकी जब पूर्वोत्तर राज्यों की चर्चा होती है तो हम जानते हैं कि क्या मोदी गवर्नमेंट की USP रही है, उस पर भी चर्चा ज़रूर होनी चाहिए कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, उनकी सरकार ने पूर्वोत्तर को अपनी प्राथमिकता में लिया है। और हम जानते हैं कि पहले लंबे समय तक कहीं ना कहीं ये सोच थी कि अरे पूर्वोत्तर में क्या, किसी राज्य में एक है, किसी में दो है, बहुत ज़्यादा वहाँ ध्यान देने से क्या फ़ायदा, मतलब कहीं ना कहीं चुनावी फायदे से सीटों की संख्या से आँकते थे, जो सोच अब बिल्कुल बदल गई है। क्योंकि अगर 600 बार केंद्र सरकार के मंत्री वहाँ दौरा कर चुके हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर 6 दर्जन बार वहाँ पर दौरा कर चुके हैं, तो हम समझ सकते हैं कि कितनी प्राथमिकता में। इन सब बातों का वहाँ के वोटर पर, वहाँ के लोगों पर कुछ असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है सुभल जी? अलसिंह जी, ये निश्चित है कि पूरे उत्तर पूर्व में इस वक्त सबको पता है कि प्रधानमंत्री और सरकार की जो स्पेशल अटेंशन है वो कंसिस्टेंटली पिछले 10 साल में रहे, और उसका जो सबसे प्रतीक जो है वो है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जो रास्ते बने, रेलवेज बने, मिजोरम में भी आज रेल कनेक्टिविटी हो चुके हैं जी, जो सिलचर से हाईवे है उसमें काफी काम एक्सपेंशन की हो रहा है। इसके बाद जो पोर्ट्स और वाटरवेज के भी जो सोच विचार हो रही है, तो उसमें मिजोरम को भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत फायदा होगा। सो लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और इसके बाद कनेक्टिविटी का पॉइंट ऑफ व्यू से जो केंद्रीय सरकार की भूमिका रही पिछले कुछ सालों में, ये लोगों का बीच में हमेशा चर्चा में आता है। लेकिन जो बात आते हैं, जैसे कि झुंझुनवाला जी ने भी बताया कि वहाँ के लोग क्वालिटी एजुकेशन के है, 8.5 लाख वोटर में प्रीपोंडरेंटली 87-88% क्रिश्चियन वोटर्स है, और बाकी बुद्धिस्ट मेनली है जो चकमास जो होते हैं। सो लगभग इनका जो वोटिंग होता है वो अपने इश्यूज के ऊपर होता है, वही इश्यूज को कैसे नेशनल स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर कैसे इनका इम्पैक्ट रहता है, कैसे इनका डेवलपमेंट आगे बढ़े, तो इस मामले में ये बड़ा ये चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसमें दिखाई देगा कि एक जो नया पार्टी ZPM पिछले लोकसभा चुनाव के बाद उभर के आए, और इसके बाद पहली बार चुनाव लड़के असेंबली जीत चुके पिछले 3 महीने पहले,
उनका कितना प्रभाव लोकसभा का एक सीट में रहेगा या एमएनएफ की जो बीजेपी के साथ ऑलरेडी अपने अपने अलाइनमेंट इन्होंने दौड़ाया और जो पहले पिछले बार में भी अपने संसद उस पार्टी से रहे और जो सेंटर की तरफ से एक और भूमिका मुझे रहेगा कि और एक कंसिस्टेंट भूमिका रहे तो लोगों का बीच में ये किस तरीके से वो वोटिंग करते हैं बड़ा इम्पोर्टेंट रहेगा इस चुनाव में। ये दिखाई दे देगा कि मिजोरम में भी स्टेट गवर्नमेंट एक पार्टी की और सेंटर लोकसभा में अपने सांसद दूसरी पार्टी की, तो नेशनल एज वेल एज स्टेट पर्सपेक्टिव दोनों देखने का मौका है इस बार। बिल्कुल, ये चीज़ें जो हैं वो बड़ी दिलचस्प होंगी और इस पर मैं चाहता हूं कि डॉक्टर कमल झुनझुनवाला भी थोड़ी सी बात ज़रूर रखें कि ये जो एक सीट है इस बार कैसा इक्वेशन बनता हुआ दिख रहा है वहाँ डॉक्टर झुनझुनवाला, कौन कौन से उम्मीदवार मुख्य तौर पर होंगे वहाँ पर इस एक सीट के मुकाबले में? नहीं, मैं थोड़ी सी जो हमारे भट्टाचार्य जी बाबू ने बात कही उसको एक कदम आगे बढ़ाना चाहता हूँ। जरूर, ये पिछले 5 साल में मतलब जो विकास हुआ है वो दिखता है, ये पूरे नॉर्थ ईस्ट में हर स्टेट में हर जगह दिख रहा है। और जहां तक मिजोरम में है, मिजोरम के अंदर जो लुक ईस्ट पॉलिसी के तहत जो मिजोरम की जो कनेक्टिविटी उन जो म्यांमार से लेकर चाइना तक बढ़ाने का जो काम चल रहा है उससे मिजोरम विल बी ए गोल्डन स्टेट इन द कमिंग डेज। वहां की आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत हो जाएगी कि जिसकी आज के दिन हम कल्पना नहीं कर सकते। अब आपने आपके सवाल के ऊपर कि जो दो कैंडिडेट्स हैं रीजनल पार्टीज के हैं, ये बात तो हम मान के चलते हैं कि कैंडिडेट तो रीजनल पार्टी का ही जीतेगा जिस हिसाब से जो समीकरण बनते हैं। और क्योंकि लोग पढ़े हुए हैं वह मिजोरम के फायदे की बात सोचेंगे कि मिजोरम में स्टेट को किस चीज को वोट देने से फायदा होगा। तो कांग्रेस ने या किसी अन्य पार्टी ने अपना कैंडिडेट दिया है क्या? कांग्रेस ने या किसी अन्य पार्टी? कांग्रेस ने दिया है, कांग्रेस ने बहुत अच्छा कैंडिडेट दिया है। ये नाम मैं प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ, मिजो नाम है, पुलिस अधिकारी है और वो जो व्यक्ति ने दिया उनकी छवि भी बहुत साफ है। पर नाम मेरे साथ अभी इमीडिएटली नहीं है कि मुझे थोड़ी देर पहले ही आपने बताया कि मिजोरम में बातचीत होने वाली है, तो नाम मेरे पास नहीं है। अच्छा, ठीक है, कैंडिडेट फाइल हुए हैं। ठीक है, सुभिमलदा, जिस तरह से कि हम देख रहे हैं कि वहाँ पर डॉक्टर झुनझुनवाला बता रहे हैं, देखिए ऐसा लग तो रहा है कि जो रीजनल पार्टी के कैंडिडेट हैं वही मेन दौड़ में रहेंगे, वही फ्रेम में रहेंगे, लेकिन क्या ऐसा भी हो सकता है कि अगर किसी तीसरी पार्टी कांग्रेस का कैंडिडेट या किसी और का कैंडिडेट अगर ठीक ठाक वोट प्रतिशत ले आता है तो कोई तिकोना मुकाबला जिसे ट्रायंगुलर फाइट कहते हैं वो भी देख सकता है क्या? मुझे लग नहीं रहा है लल सिंह जी कि कांग्रेस कैंडिडेट बहुत अच्छे हैं उनके, लेकिन इलेक्टोरल एक एडवांटेज इनको मिल जाएगा क्योंकि लगभग मोस्ट कांग्रेस वोटर्स ZPM की तरफ पिछले असेंबली चुनाव में देखे गए। और जैसे कि मैंने भी बताया और झुनझुनवाला साहब भी कि सेंटर में जिसका सरकार है, सेंटर में जिसका आपकी प्रभाव है इस चुनाव में भी जिस तरीके से सब तरफ से एक सबके एक आशा है कि प्रधानमंत्री जी जिस तरीके से के अटेंशन देके उत्तर प्रदेश को आगे ले आ गया, तो ये कांग्रेस की कैंडिडेट और कांग्रेस की जिस तरीके से मिजोरम के साथ संबंध रहे पिछले कुछ सालों में, मुझे लगता नहीं है वो किसी तरीके से सीट जीत पाएंगे ना नुकसान भी कर पाएंगे। आप देखना है कि ZPM और MNF BJP कंबाइंड में किस तरीके से लोगों का वोट का बंटवारा होगा। बिल्कुल, लग तो यही रहा और जिस समय हम लोग बात कर रहे थे ना उस समय हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर बड़ी खूबसूरत तस्वीरें चल रही थी, कैसा एकदम बिल्कुल जिसे कहते हैं कि नेचुरल रिसोर्सेज के मामले में कितना समृद्ध राज्य है, मैं वहाँ रहा भी हूँ इलेक्शन के दौरान तो मैंने उन चीज़ों को देखा भी है। आप दोनों के पास लौटता हूँ और ज़रा विधानसभा सीटों का थोड़ा सा आंकड़ा देख लेते हैं, उसके बाद फिर आप दोनों के पास लौटता हूँ। तो मिजोरम विधानसभा की अगर बात की जाए तो 40 विधानसभा सीटें आती हैं मिजोरम में, जिनमें से एक सीट है सामान्य और 39 सीट जो है वो ST के लिए रिजर्व है, यानी कि अनुसूचित जनजाति के लिए सुरक्षित है 40 में से 39, और सिर्फ एक सीट है जो कि सामान्य सीट है
नतीजे देख लीजिए 2023 के 27, ZPM जो नई पार्टी बनी थी, MNF जो सत्ता में थी वो 10 सीट, भारतीय जनता पार्टी ने भी 2 सीट जीत लिए और कांग्रेस को भी 1 सीट मिली। तो देखिए भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ पर अपने प्रदर्शन में सुधार किया है पिछले कुछ सालों में। वोट प्रतिशत पर अगर डालिए नज़र तो ZPM 37.87, MNF 35.11, भारतीय जनता पार्टी 5.08 और कांग्रेस 20.80, ये वोट शेयर रहा इन पार्टियों का। तो क्या ये वोट शेयर भी कुछ बता रहे हैं क्या, उसकी भी चर्चा कर लेते हैं अपने दोनों खास मेहमानों से। डॉक्टर कमल झुनझुनवाला, ये वोट प्रतिशत कुछ बताते हैं क्या कि जैसे मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा चुनाव में करीब करीब 5% वोट ही मिले लेकिन 2 सीटें मिल गई, तो इसका मतलब क्या कोई खास इलाका है, कोई खास विधानसभा क्षेत्र है जहां पर कि इनके वोटर हैं ज्यादा हैं? जैसे आप जो कह रहे हैं वो एकदम ठीक बात है, 5% वोट मिले पर मेजोरिटी जो क्रिश्चियन वोटर्स हैं उनके मन में एक डर है कि बीजेपी इज ए हिंदू पार्टी। इस डर की वजह से, इस अवेयरनेस की कमी की वजह से वह बीजेपी की तरफ, बीजेपी को पसंद करके भी बीजेपी की तरफ आना नहीं चाहते हैं। और जहाँ पे जैसे चकमाज है, बुद्धिस्ट है, ये जो माइनॉरिटी ट्राइब्स है ये वह पॉकेट है जो कि बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, तो उनको एक मन में यह लगा रहता है कि बीजेपी को सपोर्ट करने से हमको प्रोटेक्शन मिलेगा। कहीं ना कहीं वोट प्रतिशत माइनॉरिटी जो कम्युनिटी है जो कि जिसकी संख्या बहुत ज्यादा नहीं है, मेरे पास डेटा अवेलेबल नहीं है, परंतु उनके उनका जो वोट है मैं समझता हूँ बीजेपी की तरफ जाता है। बिल्कुल। और चूंकि भारतीय जनता पार्टी ने काफी डेवलपमेंटल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया है तो और पूरे देश में जिस हिसाब से डेवलपमेंट स्कीम्स चल रही है, पूरे नॉर्थ ईस्ट में चल रही है, उसकी वजह से इनका जो वोट परसेंट 5% था वह बढ़ेगा, जनाधार उनका बढ़ेगा, भारतीय जनता पार्टी का जनाधार बढ़ेगा, पर भारतीय जनता पार्टी की सीट डेमोग्राफी अलग है, आप भी कह रहे थे, लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है कि डेमोग्राफी तो नागालैंड में भी अलग है, है ना, डेमोग्राफी तो और भी कई राज्यों में अलग है, लेकिन वहां पर तो भारतीय जनता पार्टी ने अच्छी खासी कामयाबी हासिल करके दिखाई, तो मिजोरम में भारतीय जनता पार्टी या मैं अगर इसमें और जोड़ लूं, कुछ सालों पहले तक वहाँ पर कांग्रेस का बड़ा स्ट्रांग होल्ड हुआ करता था, उनके ललथन हावला बड़े नेता होते थे, मुख्यमंत्री कई बार रहे, तो अब कहीं ना कहीं कांग्रेस ने भी उसे उस ग्राउंड को लूज कर दिया है और इसमें भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई मौका बनता है मिजोरम में नागालैंड की तरह या किसी और भी दूसरे राज्यों की तरह? मुझे लगता है लाल सिंह जी इसमें समय लगेगा और झुंझुनवाला जी ने सही बताया कि एक बीजेपी को एक हिंदू पार्टी के हिसाब से वो देखता है। और मैंने थोड़ा पहले ये भी बताया कि ZPM और MNF के बीच में इस बार वोटिंग शेयर ये भी देखना बड़ा इम्पोर्टेंट रहेगा चुनाव के बाद, क्योंकि MNF जिस तरीका से इन्होंने डायरेक्टली ओपनली सपोर्ट किया हुआ बीजेपी को, तो क्या प्रभाव वही वाला फैक्टर कि ये एक हिंदू पार्टी के साथ ओपनली अलाइन कर रहा है, कहीं इनका कहीं ना वोट थोड़ा बहुत कम भी हो जाए। लेकिन जो ओवरराइडिंग वो फैक्टर रहता है कि इनको देखिए, मिजो सोसाइटी, आपने नागालैंड को भी जिक्र किया, मिजो सोसाइटी बड़ा एक इंटीग्रेटेड सोसाइटी है और 87% ऑफ कोर्स क्रिश्चियन वोटर्स है, प्रीपोंडरेंटली ये मिजो ट्राइब के सारे लोग होते हैं। अब नागालैंड में सब अपने अलग अलग सब ट्राइब्स पे है और बीजेपी का प्रभाव नागालैंड में ऑलमोस्ट मेजोरिटी सेक्टर्स में, आपके प्लेन्स, दिमापुर के आसपास, ये अलग अलग पहाड़ी इलाकों में भी बीजेपी का जी एक पॉजिटिव हो गया, क्योंकि वो जो पीस अकॉर्ड की तरफ प्रयास हो रहे हैं सरकार की तरफ से, ये एक सिंसियर तरीका से ये प्रयास सरकार की तरफ से हो रहा है, तो उससे आम आदमी का बीच में बहुत सारे आस्था बढ़ता गया बीजेपी के प्रति और पॉलिटिकली उसको दिखा रहा है। मिजोरम में स्टिल अभी भी आपकी लोकल पार्टीज की एक इंटीग्रेटेड सोसाइटी के बीच में अभी भी बहुत ज्यादा प्रभाव है,
और कांग्रेस बड़ा स्लाइडिंग जिस तरीके से कांग्रेस के हो रहे जी, तो ये ऑटोमेटिकली वही बीजेपी की तरफ जाएगा, ऐसे बिल्कुल, नहीं लग रहा। बिल्कुल बिल्कुल, ये वहां पर कई तरह के ऐसे इक्वेशन हैं जिसमें आपने सही कहा कि वक्त तो लगेगा ही वहां पर भारतीय जनता पार्टी को या किसी और नेशनल पार्टी को पांव जमाने में। बहुत बहुत शुक्रिया सुविमल दास जुड़ने के लिए और डॉक्टर कमल झुंझुनवाला जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया और विश्लेषण के लिए। आज समय इतना ही था हमारे पास और हमने आज राजनीति में पूर्वोत्तर राज्य मिजोरम के चुनावी समीकरण की बात की। अगले दिन किसी और राज्य के चुनावी समीकरण की बात करेंगे। फिलहाल पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।